नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि CTR क्या होता है और CTR के बढ़ने या घटने से क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल रंग का निशान, लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना। साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले CTR बढ़ाने या घटाने की बात को साइड में रखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ CTR होता क्या है। दोस्तों देखिए, जब आपकी जो वीडियो होती है YouTube वीडियो, उसके ऊपर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो होता है उसे CTR बोलते हैं। CTR की फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट, यानी जब कोई आपकी वीडियो पर क्लिक कर देता है तो क्लिक करते ही वो वीडियो को देखे ना देखे उस आपका व्यू जो है काउंट हो जाता है। लेकिन व्यू काउंट होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए, ऑडियंस रिटेंशन मैटर करता है और CTR जो है वो मैटर करता है। दोस्तों देखिए, उसने आपकी वीडियो पर क्लिक किया, आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन चला गया, उसने वीडियो छोड़ दी, क्लिक किया छोड़ दी, तो आपका CTR जो है वो डाउन रह जाएगा। मतलब कि आपकी वीडियो का जितना CTR हाई होगा उतनी ज्यादा आपकी वीडियोस वायरल होने के या व्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों देखिए, CTR भी दो तरह का होता है। एक गूगल एडसेंस का CTR होता है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ता है तो आपके गूगल एडसेंस के डिसेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपको YouTube की जो वीडियो है उसके CTR पे फोकस करना होता है, वो जितना ज्यादा होगा आपकी वीडियो उतनी अच्छी चलेगी। दोस्तों देखिए, CTR बढ़ाने का कोई खास वैसे तो ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। CTR बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले YouTube का जो है क्वालिटी पे फोकस करना होता है। यानी आपकी वीडियो जितनी ज्यादा, आपका थंबनेल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतने ही ज्यादा आपके वीडियोस पर व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपका थंबनेल जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, उसके पिक्सल फटे हुए नहीं होने चाहिए, आपने जो फॉन्ट लिखे हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए और जो आपने वीडियो का टाइटल नेम डाला है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर इसमें अट्रैक्शन नहीं है, आप पब्लिक को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं आपकी ऑडियंस को, तो दोस्तों कोई आपके वीडियो के थंबनेल पर क्लिक नहीं करेगा। और अगर थंबनेल पर क्लिक नहीं करेगा तो व्यूज कैसे आएंगे मेरे भाई। दोस्तों देखिए, जब व्यूज आएंगे आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो आपकी वीडियो का CTR अपने आप हाई हो जाएगा, जिससे वीडियो चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि वीडियो का CTR बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, टाइटल नेम अच्छा लिखते हैं, अच्छे से वीडियो का SEO करके अपलोड करते हैं, वीडियो का थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखते हैं, और हाँ एक बात आपको और बता देता हूँ, टाइटल में कभी भी हैशटैग का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इससे जो है वीडियो की रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। यानी टाइटल में अगर आप हैशटैग का यूज़ करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए, और आपने अगर पहले वीडियो में किया है तो उसे हटा दीजिए। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 10-5-7 बस इतने ही लगाइए, और उसके अलावा जो टैग्स है उसके अंदर भी हैशटैग का यूज मत कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से CTR को मेंटेन रखना होता है। अगर आपका CTR डाउन जाता है तो आपकी वीडियो के व्यूज ज्यादा आने के चांसेस घट जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने CTR पे फोकस रखना है, आपने अपनी वीडियो को इंप्रूव करना है ताकि CTR हाई रहे YouTube वीडियो का, ना कि Google AdSense का। अगर Google AdSense का CTR बढ़ेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।